तो मेरे दोस्त ने एप्पल वॉच और अपना आईफोन लिया था, तो उसे मेरे पासपोर्ट पे कर लिया था, उसको मतलब रिफंड मिल गया। मैंने तो उसे लड़ लिया, मैंने भाई ये क्या रेट दे रहे हो, मैंने लूट मचाई हुई है लिटरली, उन्होंने इतनी फुद्दू रेट दिया है ना। Hey guys, welcome back to my vlog. जो लोग नए हैं मेरे YouTube चैनल पे, उनके लिए मैं आई एम विराट कपूर एंड आई एम MBA ग्रेड एट आई यूनिवर्सिटी। और मैं आज के व्लॉग में आपको पूरा बताऊंगा कि इंडिया का पोस्ट कोविड, मतलब पोस्ट कोविड, देखो वैसे तो कोविड अब तो काफ़ी 2 साल हो गए कोविड ख़त्म हुए, बट रिसेंटली इंडिया ने अपनी पूरे मतलब पूरा ओपन कर दिया है निकलने का, 27 मार्च को करा है और आज 9 अप्रैल है, तो ज़्यादा दिन हुए नहीं है और काफ़ी सारे चेंजेस हैं, और जो चेंजेस हैं वो 1 अप्रैल से इफेक्टिव हुए हैं। तो काफ़ी मतलब ये इस पर मैंने देखा रिसर्च लोगों के भी आए हुए थे कि क्या नया प्रोसीजर है, तो वो मैं आपको पूरा इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा क्या क्या हुआ। और अभी मैं अपने अमीगो के साथ जा रहा हूँ टर्मिनल 4। इनका नाम शोभित है, ये टेक MBA में है, मेरा इंटरनेशनल MBA है, MBA 2 है हमारे आई में, वैसे 3-4 है, लेकिन हमारा टेक और मतलब जो आई MBA है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ आई यूनिवर्सिटी। जिन लोगों को आई यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है और कैसे मतलब what's all about the curriculum, how the IE is and how IE functions, how you can get enrolled into IE, do let me know, do comment. अब हम जा रहे हैं उधर, पहले तो जाने से पहले थोड़े prerequisites होते हैं आपको, जो मतलब अगर आप जा रहे हो तो एयरलाइंस आपको बता देगी, एयरलाइंस टू एयरलाइंस वैसे डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ा जो चेंज आया है, अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आपको RT-PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। RT-PCR टेस्ट कुछ कुछ लोगों ने करवाया, मेरा एक फ्रेंड गया कल इंडिया वापस, तो उसने करवाया था। यहाँ पे यूरोप में बहुत महंगा है, अराउंड 85 यूरोज़ का RT-PCR टेस्ट होता है, जिसका 12 घंटे में आता है, अगर आपको 2 घंटे में चाहिए तो उसके 120 यूरो लगते हैं, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, वरना बाकी सब तो मतलब देखो RT-PCR टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है। आरोग्य वो एयर सुविधा तो बहुत कंफ्यूजिंग है, एयर सुविधा के अंदर अगर आप जाओगे, मैं उसे साइड पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँ, इधर आ रहा होगा वीडियो में, तो उसमें क्या है, आप अपना पहले पूरा भरोगे, बोलेगा कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आपको दिखाएगा सारी जगह से RT-PCR टेस्ट चाहिए, लेकिन आप जैसे नीचे जाओगे ना, यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR टेस्ट अपलोड करना है, उधर आपको पता चल जाएगा कि यार हमें ज़रूरत नहीं है। और एम्बेसी से भी मैंने पूरा पता करा, अरे आपको मैंने एम्बेसी वाला सीन बताया, एम्बेसी में इंडियन एम्बेसी, हाँ इंडियन एम्बेसी, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने इंडियन एम्बेसी को कॉल करा स्पेन में, कितने बजे, 1 बजे कॉल करा कंफर्म करने के लिए भाई RT-PCR टेस्ट रिक्वायर्ड है नहीं है, और उन्होंने बोला हाय वेलकम टू द इंडियन एम्बेसी, आई एम उसने अपना नाम बोला, मैंने कि आई नीड टू इंक्वायर, आई एम इंडियन सिटीजन, आई एम ट्रैवलिंग टू इंडिया, आई नीड टू इंक्वायर अबाउट द RT-PCR टेस्ट। दे सेड, ही रिप्लाइड टू मी इन इंग्लिश, ही सेड सॉरी इफ यू आर कन्वर्सिंग टू मी इन इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन कॉल आफ्टर 2 PM इफ यू द इंग्लिश स्पीकर्स विल बी देयर ऑन कॉल। आई सेड गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये सारे मिल के हमको पागल बना रहे खुद के बच्चे। Yeah, I agree, there can be clerical staff, but there should be a person to, you know, assist. Yeah. If he cannot assist, there should be another person, being an Indian citizen. और ये normal है problem होना कि आपका कोई problem फंस गए, तो आपको मतलब अपने embassy passport हो गया for example, तो आप embassy को contact करोगे सबसे पहले कि भाई मेरा passport गुम गया, तो कोई है नहीं, तो ये हमारी Indian embassy है। तो अब मैं जा रहा हूँ, आपको मैंने prerequisites तो वैसे बता दिए, अब आपको एयरपोर्ट का दिखाता हूँ और इंडिया पहुँच के दिखाता हूँ क्या सीन है, चलो मिलते हैं। तो गाइस मैंने आपको अंदर का कस्टम के अंदर का मैंने बताया नहीं, जब मैं अंदर घुस गया था एयरपोर्ट में तो मैंने आपको बताया नहीं क्या हुआ। अपेरेंटली अंदर जाके मेरे को अपना कस्टम वैलिडेशन करवाना था, क्योंकि मेरे पास सामान वामान खरीदा था और सामान खरीदने के बाद वो वैलिडेशन स्टैम्प चाहिए होता है, तो कुछ कुछ हमारा कैश में आना था, कुछ कुछ हमारा उसमें आना था, ये कार्ड में आना था, तो मैंने वो सारा ट्रांसफर आंसर कराया। अब मैं बस ऐसी ट्रेन में जा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेन चलती है, अगर आप टर्मिनल 4 पे हो और टर्मिनल 4 से 4 है, यूजली जब भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो नॉट विद इन यूरोप या उसके बाहर, तो आपको ऐसे ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है। हमें पास लेजिट 1 घंटा बचा है फ्लाइट को उड़ने के लिए, और मुझे ड्यूटी फ्री भी एक्सेस करनी है, वो तो आपको पता है मैं ड्यूटी फ्री हमेशा एक्सेस करता हूँ यार, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपको इस बार दिखाता हूँ ड्यूटी फ्री में कुछ चेंजेस आए, कुछ आए क्या नहीं, दारू वारू आई कुछ आई, इंडिया तो मैं जा ही रहा, तो इंडिया का भी ड्यूटी फ्री आपको दिखाऊंगा, तो देखते हैं। मैलो इधर देखो, देर इज 40% ऑफ, और भी यहाँ पे आज बहुत सस्ती हुई ड्यूटी, पता नहीं इनका क्या हुआ है, बट आज काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहे हैं यार। मतलब मॉन्टब्लैंक का परफ्यूम ये वाला जो इंडिया में मिलता है, ये आपका है रफली अराउंड 3200-3300 रुपये का, ये वाला इंडिया में ये आपका 5-6 हज़ार का आता है,
ठीक है। ये वाला देखो 1600 रुपये का मिल रहा है, बाहर 2500 रुपये का कम से कम का होता ही है, 2500 का होता है, तो बहुत सस्ता है यार। बाकी मैं आपको ना जरा दारू वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ यार, उसमें आपको समझ में आ पाएगा कि डिफरेंस क्या चल रहा है। ठीक है यार, लिकर देखो भाई 19.3 यूरोस कॉन्ट्रू, ये है। यहाँ पे सारी बर्बन्स भी हैं, ब्लैक लेबल्स भी हैं। यहाँ पे ना तीन बॉटल में दो बॉटल लो तो दो के पैसे देने मिल रहे यार। इंडिया में ना यही दिक्कत है, बाहर मतलब 2 लीटर अलाउड है, 2 लीटर के चक्कर में ना फिर वो ऑफर रह जाता है। ये देखो यहाँ पे, ओ भाई ये तो अलग ही ओपी है, 477 यूरोस। ये हो गया आपका कम से कम 32-34 हज़ार की बॉटल है भाई। हेनेसी भाई मैंने तो ये ली है, मैं आपको बताता हूँ, ये 47 की पड़ी, 47 और दूसरे लिए 47-40 की पड़ी, तो मेरा टोटल 6400 का कुछ का पड़ा अल्कोहल का, लेकिन उस पर मुझे 15% ऑफ मिल गया अलग डिस्काउंटेड रेट पे। ये वाला भाई मैकेलन देखो, एनिग्मा, मैंने लास्ट टाइम ये वाली नहीं ली थी, हाँ ये वाली शायद से ली थी, ये बार बड़ी महंगी है, नहीं ये वाली नहीं थी यार, इतनी महंगी तो नहीं ली होगी। और सिंगलटन यहाँ पे है अराउंड 65 यूरोस कुछ की, 34 यूरोस की है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डबल ब्लैक मिल रही है, डबल ब्लैक के रेट्स देखो यहाँ पे, ये ब्लैक लेबल पड़ रही है आपको 40 की, ये हो गई अराउंड 40 हो गया 3200 की, लेकिन 1 लीटर है तो सही है, इंडिया वाला रेट ही है, लेकिन यहाँ पे उस वे में डिस्काउंट है कि आपको 2-3 मिल जाएंगी दो के रेट पे, तो रफली अराउंड आपको पड़ेगी 1500 रुपये की एक बॉटल पड़ गई। दूसरी जो मैंने ली है वो मैंने ये वाली ली यार, भाई यहाँ पे तो बहुत क्रेजी क्रेजी है। मैंने उस समय आपको ऑफ में दिखा था डालमोर, देखो डालमोर 113-63 इतने की है। और भाई साहब और लोगों के जिन लोगों को जाना है यहाँ पे वो भी हैं, क्या कहते हैं आपका ब्लू लेवल का रेट 300 यूरो है, मतलब हो गया 324,000। शिवस मिल रही है आपको 34 हो गया आपका 2400 रुपये करीब की, ठीक है। और कौन सी, ग्लेन मोरन जी आपकी महंगी है यार, ये सब तो मुझे महंगी लगी, कुछ कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ कुछ चीज़ें सस्ती हैं, तो आपको देख के लेना पड़ेगा क्या है। यहाँ पे घड़ियाँ भी हैं, ये भाई शेड्स भी हैं, सेक्सी सेक्सी शेड्स हैं, सेक्सी सेक्सी बन के निकलेंगे बाहर। डोंट हेट मी बिकॉज़ आई एम ब्यूटीफुल। क्रेजी क्रेजी मज़ा आएगा भाई, इंडिया जा रहे हैं भाई जी एकदम मौज में। ये देखो यहाँ पे चॉकलेट्स भी हैं, मैंने लिकर वाली चॉकलेट्स ली, ये देखो यहाँ पे ये वाली मैंने ली यार, एंथन बॉगी मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पे तो जर्सी भी मिल रही है बार्सिलोना और इनकी, कितने की है ये चेक करें, एक से ना पूछते हैं किसी से ना पूछते हैं भाई, 20 यूरो की कैप है तो सस्ती है यहाँ पे बाहर से। करण औजला जी बोलते ना मेक्सिको सिटी, अपनी तो भाई दोहा की है, कहाँ है दोहा, और 410 S41 गोटी और गेट का भी आ गया भाई, चलो भागते हैं अब यार। S41 अब है किधर, अरे भाई साहब एक तो ना सॉरी मेरे को ना इतना गुस्सा आता है भाई, जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ना इतने गंडू लोग हैं भाई, माँ कसम गाली देने का इतना मन करता है ना वो, मेरा हर समय बैग रुकवा के पता नहीं दुनिया भर के इनको चोचले करने पूरे टाइम। और 2 रिफंड तो देखो मेरे को मिल गए, 3 रिफंड कार्ड में डायरेक्टली आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये फूड कोर्ट है, वो देखो तो स्टारबक्स था, अब आगे हम जा रहे हैं। कट रही यार ज़िंदगी ऐसे ही चलते चलते कट गए रास्ते, अब मैं आपसे गेट पे मिलता हूँ। क्या ही करना है यहाँ पे, ऐसा फुद्दू सा लग रहा है यहाँ पे, हाल खाली लग रहा है यहाँ वाला पार्ट तो है पूरा। बट यार आज बहुत बहुत ड्यूटी फ्री में बहुत डिस्काउंट मिल गए, मज़ा आ गया यार। अब मान के चल लो यहाँ पे आ गया, सही में शॉपिंग करके जा सकते हो, और बढ़िया शॉपिंग। ठीक है भाई मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये टैक्स फ्री वाले ये है ना, ये बड़े बेवकूफ लोग हैं यार। पता है इन लोगों के साथ क्या, अभी जो मेरे को रिफंड मिला, जो मेरे को मतलब डॉलर्स मिले, तो मेरे दोस्त ने एप्पल वॉच और अपना आईफोन लिया था, तो उसने मेरे पासपोर्ट पे कर लिया था, तो हमें डिस्काउंट मिल गया, उसको मतलब रिफंड मिल गया। मेरे वाले जो परचेज थे वो कार्ड में आएंगे डायरेक्ट। भाई साहब उन्होंने US डॉलर्स दिए हैं, 180 यूरो का कुछ, 180 यूरो का रिफंड था, तो मतलब US डॉलर तो ज़्यादा ही मिलने होते, 200 के करीब मिलते, भाई इन्होंने $160 दिया है। हमने मैंने तो उसे लड़ लिया, मैंने भाई ये क्या रेट दे रहे हो, मतलब लूट मचाई हुई है लिटरली, उन्होंने इतनी फुद्दू रेट दिया है ना। पहले तो ऐसा लग रहा था हर करेंसी में, चलो इंडिया की करेंसी में वो हमें अराउंड कम दे रहे थे हम, फिर मैंने चलो US डॉलर्स दे दो, US डॉलर से चलता है, बट यार ये तो बहुत ही फुद्दू रेट है। जिस स्पीड से अभी ऐसे गिर रहा है ना, मुझे तो लगता है US डॉलर वगैरह सब हटा दो, अपना बस अपनी देशी करेंसी रखो और उसी से अपना चलते रहो। तो मैंने आपको बताया नहीं मैं कौन सी एयरलाइन से जा रहा हूँ, मैं कतर एयरवेज से जा रहा हूँ। अभी जब से खुले हैं, पहले तो प्री कोविड टाइम से पहले स्पेन में डायरेक्ट फ्लाइट आती थी एयर इंडिया की, बट अब नहीं आ रही है। और क्या कहते हैं, मेरी वाली जो फ्लाइट है अराउंड 14 घंटे की है, और 2 घंटे का स्टॉप ओवर है दोहा में, वो भी मेरे सामने खड़ी हुई है कतर एयरवेज की फ़्लाइट, बोर्डिंग आगे शुरू हो चुकी है। वो देखो सामने कतर एयरवेज की वो आपको फ़्लाइट दिख जाएगी। तो यही है कि यार अभी उन्होंने बोर्डिंग नहीं शुरू हुई है, वो फ्लाइट उस तरफ है, दूसरी तरफ है टेक ऑफ स्ट्रिप,
ये रही फ्लाइट, तो यहाँ पे शुरू हो गया यार। मतलब ये डायरेक्ट फ्लाइट कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी यूरोप आना बहुत सस्ता हुआ है जुलाई वगैरह में। अगर आप आ रहे हो तो प्री कोविड रेट्स आ चुके हैं अराउंड 40,000 रुपीज़ में। यू कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू स्पेन और टू एनी अदर सिटी इन यूरोप, अराउंड 40,000 to 48,000 का टिकट्स हैं अगर आप टाइमली बुक करो। ये जो मैं रेट्स बता रहा हूँ ये आपको जुलाई के बता रहा हूँ, जुलाई 2022 के रेट्स हैं। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस इज चीप, फिनएयर इज चीप और ये सब है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेक माई ट्रिप, वो फालतू की जो वेबसाइट गो आई बी वो ये सब जो भी है उन सबसे मत करना, बहुत ही फुद्दू रेट देते हैं और एकदम लिटरली बेवकूफ बनाते लोगों का। अपना डायरेक्टली बुक करो, अगर आप यूरोप आ रहे हो तो booking.com एक वेबसाइट है जो जहाँ से आप कर सकते हो, यूरोप में बहुत कॉमन है। और ट्रेन वेन्स भी अगर आपको बुक करनी है तो डायरेक्ट रेनफे या जो भी स्पेन में रेनफे चलती है तो रेनफे से कर लो या उससे कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन आप इन सब आलतू फालतू की जगहों से बुक करो। भाई साहब यहाँ पे देखो मैं आया था एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम अपना गिटार विटार लेके आए हैं, गाने वाने बजा रहे हैं, नाच वाच रहे हैं, लाइक ओल्डीज है ना सारे यार ऐसे ट्रैवल करते हुए देखो। तो यार मैं फ्लाइट के अंदर आ गया, फ्लाइट बड़ी बढ़िया है, अच्छी है यार, काफ़ी लेग्स लेग रूम है। ये देखो यहाँ पे लेग रूम कितना मस्त है, पीछे भी अभी और सीट कर लूँगा, ये बढ़िया है। कतर एयरवेज मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ना प्रॉपर एक किट देते हैं, इसके अंदर आपका सैनिटाइज़र होता है, मास्क वास्क होता है, हैंड क्रीम होती है, सब होता है, बहुत क्रीजी है, रात में बड़ी काम आएगी है। होपफुली कोई बंदा इधर ना बैठे, मैं आराम से सोते हुए मैं इंडिया गया था पिछली बार तब भी खाली हुई थी सीट। मैंने कंफर्म भी कर लिया, अगर आप ट्रैवल करो सिर्फ एमिरेट्स वाले ना थोड़ा ड्रामेबाजी कर रहे हैं RT-PCR के इंडिया जाते हुए, वो भी आप उनको बोल सकते हो और इंसिस्ट करके कि भाई हमें नहीं, हमारा अलाउड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ जिधर से आप ट्रांजिट कर रहे हो ना वो भी आप नोटिस कर लेना किधर से आप ट्रांजिट कर रहे हो। दोहा और दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं है RT-PCR की, बट हाँ कुवैत और उन सारी अगर एरिया से आप जा रहे हो तो आपको RT-PCR की ज़रूरत होगी क्योंकि उनकी लोकल रिक्वायरमेंट है। पर वैसे सब नहीं, अब हटा दिया यार कोड वोड, अब ख़त्म, हटाओ ये सब, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। सीधी बात है, बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम चकाचक बादल वादल हो रहे हैं। उधर हमारा ITR है, मैं आपको ITR भी दिखाऊंगा यार अभी, अगली बार जब वापस आऊँगा ना मैड्रिड तो मैं आपको ITR दिखाऊंगा। ITR बम जगह है, मतलब बम बिल्डिंग है हमारे इधर की। चलो लंबी फ्लाइट है अब तो आराम से सोएंगे। टर्बुलेंस की वजह से मुझे उठना पड़ा, वरना तो मैं उठता ही नहीं। बढ़िया मूवी आ रही है, मज़ा आ रहा है। देखो गाइस हम दोहा लैंड करने वाले हैं, अगर आपको दिख रहा है सामने वो देखो उधर, वो फुटबॉल स्टेडियम दिख रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है ना दोहा में, तो स्टेडियम ऊपर से क्या बढ़िया लग रहा है। वैसे जिन लोगों को पता नहीं दोहा के अंदर ना लैंडिंग सबसे बेस्ट होती है भाई, वो देखो सामने भाई साहब पूरा सी और सबसे बेस्ट लैंडिंग। अगर आप अभी दिन में लैंड करो ना दोहा तो बहुत ही अच्छा आपको दोहा लगता है ऊपर से। मैं वो बोल रहा था ना देखो आइलैंड्स बने हुए, देखो ऊपर से आइलैंड्स क्या सेक्सी लग रहे हैं यार दोहा के। यार्ड पे चला गया, बिल्डिंग्स देखो सेक्सी बिल्डिंग फैमिली और भाई सब क्या लगा दिए उन्होंने भाई। मैं जब भी आ रहा हूँ 3 महीने के बाद आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों इतने चेंजेस हो गए, ऊपर से ही दिख रहा है इतने चेंजेस होते हैं यार, तो बहुत ही क्रेजी लग रही है यार ये तो सिटी, अलग लेवल पे हो गई है। तो अच्छा आइलैंड जो पर्ल आइलैंड है ना ये उसके ऊपर से हम जा रहे हैं, देख रहे हो ये आइलैंड्स हैं आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हुए इन्होंने, ये देखो। ओ भाई साहब मैं बोल रहा था ना आपको देखो लैंडिंग इतनी प्यारी होती है इधर की, लैंडिंग सबसे बेस्ट है यार दोहा की, मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे बेटर मुझे सिंगापुर की लग रही थी लेकिन नहीं यार अब तो अलग लेवल बना दिया उन्होंने, वो पूरा एकदम सी आ जाएगा सी के बाद एकदम से। तो गाइस यहाँ पे ना दोहा एयरपोर्ट पे देखो ये बस के अंदर हमें ऐसे जाना पड़ता है भाई, इतना एडवांस है लेकिन फिर भी ये चीज़ नहीं ठीक हुई कि यहाँ पे एरो ब्रिजेस नहीं है अराइवल पे, बस बस में ऐसे ही जाके निकलो यार। तो गाइस हम दोहा एयरपोर्ट आ गए, देखो ये क्या बढ़िया लग रहा है ऊपर, मेरा गेट A7 है तो मैं उधर अपने A7 पे अब जा रहा हूँ, बहुत सही है एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको मेन मतलब बीच का दिखाऊंगा, उधर एक टेडी वेयर है बड़ा क्यूट सा टेडी वेयर है, वो बहुत बड़ा टेडी वेयर है, बहुत फेमस है दोहा एयरपोर्ट का, कोई भी मतलब सर्च करोगे गूगल पे तो इमेज आपको वही दिखेगी। अगर मुझे दिख गया तो सही है, नहीं दिखा तो मैं आपको बताऊँगा
पर हाँ, ये एयरपोर्ट में बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब आप अराइवल करते हो तो जब भी आप यूरोप डेस्टिनेशन जाते हो तो आपको ऐसे बस में ही ट्रैवल करना पड़ता है। इनका यही एक बस बहुत मेजर प्रॉब्लम है। बाकी वैसे ओवरऑल एयरपोर्ट बहुत सही है, एयरपोर्ट में कोई अच्छी मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। हम आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता किसी कंट्री के एयरपोर्ट से, बट ये वाला एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और अच्छा है। बस तो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, मुझे नहीं पता है कैसे कब तक कंस्ट्रक्शन की ख़त्म करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है यहाँ पे। अरे भाई मैं गलत तो नहीं चले गया? अरे हाँ सही है, बात करते करते आप लोगों से। यार देखो मेरा ए है, अभी सी पे हूँ मैं, पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, आज तो लंबी वॉक है। चलो मिलते हैं गेट पे, जाके मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे बस इनकी अलग वो चल रही है ट्रैम टाइप एयरपोर्ट के अंदर, तो ये है, ये ले सकते हो। अराउंड 10 मिनट लेते हैं। मैं ऐसे पैदल जा रहा हूँ, मैंने क्यों यार उसमें जाना, इस बहाने एयरपोर्ट घूमने का टाइम है, काफ़ी टाइम है, कुछ करने को है नहीं। तो यही है, यहाँ पे आपको मिल सकती है। इनका लॉन्च भी अच्छा है, लॉन्च का आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने, नहीं तो आप सिल्वर मेंबर बन जाओ। मैं इसके बाद, अब इस फ्लाइट के बाद मैं कतर एयरवेज सिल्वर मेंबर बन जाऊँगा, फिर तो भाई साहब दबा के लॉन्च एक्सेस सब कुछ, एक टिकट ऑलरेडी फ्री मिला हुआ है मेरे को, तो मज़ा आने वाला है। इसके इस फ्लाइट के बाद तो मेरा टिकट फ्री है, एक टिकट तो फ्री है और प्लस लॉन्च एक्सेस मिल जाता है, और अपग्रेड भी कराना चाहो तो करा सकते हो, अब प्रोवाइडेड सीट्स अवेलेबल हो तो फ्री में करते हैं। तो ये यहाँ पे कतर एयरवेज का फ़ायदा है, मैं हमेशा कतर एयरवेज से ट्रैवल करता हूँ, सबसे बेस्ट एयरलाइंस लगती है मेरे को, कंफर्टेबल है, प्यारी, बढ़िया, आराम से पहुँचो। वैसे मिडिल ईस्ट में आगे गाड़ियाँ तो देखो भाई, तो कौन सी M5 है यहाँ पे, अब मतलब लॉटरी लगा सकते हो और गाड़ी खरीद लो, ठीक है। M5 और हार्ले डेविडसन की नई वाली है वो मेबैक V12, इंसेन लग रही है यार गाड़ी, हो गया सेक्सी लग रही है। यहाँ पे ना गोल्ड वगैरह भी मिलता है यार, यहाँ पे अब कतर में आके गोल्ड वोल्ड खरीदा, मिडिल ईस्ट के अंदर तो ये है, और वो बता रहा था टेडी बेयर सामने, और यहाँ पे देखो पूरी ड्यूटी फ्री है, उधर शॉप्स हैं। यहाँ पे ना थोड़ा रमदान की वजह से दारू वारू बंद करी हुई है इन्होंने सर्व करनी, वैसे सब कुछ मिल रहा है। ये देखो यार बेली का भी उधर हुआ है, ये कौन सी स्पोर्ट्स कार है, यहाँ पे मिल रही है टैग का शोरूम। लोग यहाँ पे आईपैड वगैरह खरीदने की बात करते हैं मतलब इधर कतर के अंदर आके, तो 2,500 कतारी रियाल का है, कतारी रियाल हो गया 2,500 हो गया रफली अराउंड आपका 50,000 रुपये, तो सेम प्राइस यार इंडिया जितने ही है, 5,000 रुपये का फ़र्क है, और यूरोप में भी 5,000 रुपये कितने का फ़र्क है, कुछ ऐसा मेजर फ़र्क नहीं है यहाँ पे, मतलब एक्सेसरी में एप्पल स्टोर में आके मुझे जो लगा। तो कह रहे देखो एयरपोर्ट कितना सही लग रहा है, ऊपर वाला लॉन्ज है, मैं जब आया था मैं उधर बैठा था, काफ़ी अच्छा वो लॉन्ज है आने आने का, और ये वो बैर है, देखो क्या सही लग रहा है यार। मेरे को लड़कियों का फेमस ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट्स, भाई मैं तो फूड कोर्ट आ गया हूँ, मेरे को फूड कोर्ट जाना है, मेरे को भूख लग रही है कुत्ते वाली, यहाँ पे बज रहे हैं 2:30 और वैसे बज रहे हैं 11:30 मैड्रिड टाइम, मेरे को हो गई भूख अलग लेवल पे, जैसे होती है ना खाने का, मैं इंसान भी खा जाऊँगा अभी भाई, तो नवरात्रि से मैं कुछ नहीं खा पा रहा भाई, तो जन्नत लग रही है अभी, ऐसी भूख लग रही है ना। ये देखो पूरा फूड कोर्ट है सारा एरिया, क्या सेक्सी बना हुआ है और बढ़िया भूख वाला लग रहा है। चलो मैं खाना आ गया मिलता हूँ। मैं ना कतर ड्यूटी फ्री पे था, कतर ड्यूटी फ्री पे यहाँ पे जो कपड़े वपड़ों का प्राइस है ना बहुत ही महंगा है। मैंने अभी जैसे राल्फ लॉरेन गया, राल्फ लॉरेन के अंदर मैंने टी शर्ट का पता करा कितने का है, $160 या 150 और विच इज़ रफली अराउंड 120 euros, इतने की पड़ रही थी एक टी शर्ट। मैं सेम वही टी शर्ट अगर मैं यूरोप में लेता हूँ, मैड्रिड में भी मैंने देखी थी, तो अराउंड 65-70 की आ जाती है राल्फ लॉरेन की। अब मैं ह्यूगो बॉस का अगर आपको रेट बताऊँ तो ह्यूगो बॉस में भी सेम ऐसा ही सीन है भाई, 10,000 रुपये की मतलब एक टी शर्ट पड़ रही है मैं, और मैड्रिड में मेरे को नॉर्मल टी शर्ट अगर आपको लेनी है तो 40 euros से स्टार्ट होती है, वो हो गया आपका रफली अराउंड 3200 रुपये, इतने की होती है मैच टू मैच, मान लो 4,000 की हो गई, 4,045 हो गई, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती, पर यहाँ पर बहुत महंगी है मतलब मेरे को लगी, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट 50% से 40-50% कॉस्ट इधर बड़ी है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लगा, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे एप्पल का भी बोलता हूँ, कहते हैं मिडिल ईस्ट में सस्ता है, शायद से बाहर सस्ता हो बट एयरपोर्ट के अंदर सस्ता नहीं है। मैंने एप्पल के एयरपोर्ट देखे 3 को, मेरे फ्रेंड को चाहिए था, उसके लिए मैंने देखा रेट चेक करा, यार $250 के थे, तो आप मानो 16,000 कुछ के पड़ रहे हैं यहाँ पे भी एयरपोर्ट्स 3, तो सेम यूरोप में भी है और इंडिया में भी सेम प्राइस है, तो मतलब शॉपिंग करने के लिए मेरे हिसाब से कतर ड्यूटी फ्री इज़ नॉट वर्थ। कतर ड्यूटी फ्री में आपको परफ्यूम से भी रेट महंगे हैं, जो मैंने उधर से 20-20 यूरो के परफ्यूम लिए ना, 20 यूरो आ गए 1600 रुपये, यहाँ पे कम से कम 3500 रुपये के वो परफ्यूम्स हैं, ह्यूगो बॉस के किसी के भी आप ले लो 3500-3500 रुपये के हैं वो परफ्यूम्स, मतलब इतना मतलब फ़र्क है, और प्लस उधर डिस्काउंट भी चल रहा था लेकिन फिर भी बहुत महंगा लगा। और वो रहा उधर का वो देखो क्या कहते हैं फूड कोर्ट, यार फूड कोर्ट बहुत अच्छा था, फूड कोर्ट में खाना बहुत बढ़िया था, मैं कसम से चिकन खाने वाला था, मेरे को बहुत मन कर रहा है चिकन खाने का, मैं पिछले 7-8 दिन से नवरात्रि चल रहे हैं उस वजह से सिर्फ वेज खा रहा हूँ, मैंने हमस और ब्रेड ले ली, कंट्रोल कर लिया। मैं इंडिया जाके तो भाई साहब सबसे पहले पंडारा रोड हैव मोर का बटर चिकन, ओए डेथ,
मैं आ गया था यहाँ पे दिल्ली ड्यूटी फ्री। दिल्ली ड्यूटी फ्री के अंदर मैं जब आया आज, मैं भी सुबह सुबह मतलब लैंड वैंड करा, उसके बाद भाई इतनी देर लगी इमिग्रेशन में कहने के अपनी, पर यहाँ पे अच्छी डील्स मिल रही हैं। देखो 1-4-2-4-8-9-9-0 सही डील्स हैं। ट्रैवलर्स पैक्स भी हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री के अंदर। यार ये बात है, दारू वारू का बढ़िया बढ़िया सीन है इधर। मतलब बाकी सारी जगह पे ना वाइन वगैरह देते हैं, यहाँ पे विस्की वगैरह सब कुछ ज़्यादा है, ये मैंने नोटिस करा है। मतलब अगर कंपेयर करा जाए और सारे ब्रांड हैं, जौन सा चाहिए वो ले लो, भरा हुआ डिस्काउंट डिस्काउंट खूब लग रहा है। बट ठीक है, सही है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, देखो कितना बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। ब्लू लेवल बहुत सस्ती है यार इधर, बाहर तो बहुत महंगी थी, यहाँ पर बहुत सस्ती है। चलो अब मैं बाहर निकलता है, मेरे को अपना बैग भी कलेक्ट करने में लेट हो गया, फिर आपसे मिलता है। तो गाइस मैं आ गया था वापस स्पेन से, इधर वापस आ गया था। मेरे बैग देखो तीन मेरी ना फटी बैठी थी, मेरे इसके अंदर मैंने ना 4 बॉटल दारू की लाए, इस बार 2 बॉटल मैंने जो बॉर्डू से वाइन की ली थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। मुझे डर ये लग रहा था यार इस पर कोई मार्क वाक ना कर दे, मैं वही मिटाने में यही था कहीं लगा हुआ तो नहीं, मिट विट तो ना जाए। बच गया यार मैं, लेकिन बहुत सही था, कुछ भी नहीं था और काफ़ी डिस्काउंट है दिल्ली में और मैड्रिड में। यहाँ पर तो एकदम दोहा वगैरह में तो फुद्दू था, बेवकूफ़ बना थे। चलो मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। और भाई साहब दिल्ली के अंदर आग लग रही है, लिटरली आग लग रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी है भाई साहब, जितनी उधर सर्दी उतनी इधर गर्मी, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, ऐसा लग रहा है मई का मौसम चल रहा है। तो मैं इससे अपना ये वाला पहला वाला पार्ट ब्लॉग का खत्म कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, ये मेरा ट्यूशन का बचपन का दोस्त है पौनव। बड़ा बड़ा प्रणाम। प्रणव अग्रवाल, ठीक है। तो अब आज ये वाला आपको ब्लॉग कैसा लगा? मतलब पहला ब्लॉग है जो किसी ने शूट करा है, जिसके बारे में हमने बताया कि कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से जब आप इंडिया वापस आ रहे हो पोस्ट, जब सब कुछ हट गया है, उसके बाद कैसा चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या चाहिए होता है, दिमाग में रखना होता है। मैंने ज़्यादा फ्लाइट में शूट नहीं करा, एक तो बच्चे इतने दिमाग खराब भाई, हिंदुस्तानी बच्चे ऐसा लगता है हिंदुस्तानी कुत्तों की तरह होते हैं भाई, कसम से हिंदुस्तानी कुत्ते जैसे भोंकते रहते हैं पूरी फ्लाइट वो चीखते रहते हैं भाई, दिमाग का दही कर दिया उन्होंने। बट एनी वेज अब आपका और मजेदार ऐसी ब्लॉग आते रहेंगे, अब तो फुल ऑन होगी। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही, टेक केयर, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे सेक्सी।